बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज मैं इतना चहक क्यों रही हूँ, हालांकि टॉपिक का अगर नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे ये कैसी बात है, कैसी अजीब बंदी है, और ये इतना कंफर्ट, इतना खुश किस बात से हो रही है। आज मैं खुश इस बात से हो रही हूँ कि जब मुझे लगता है ना, मेरे बाबा से मिलने की बात का जिक्र होता है तो लिटरली मेरे अंदर एक अजीब सा करंट आ जाता है, मुझे फील होता है। आज इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी, उसमें कब्र का जिक्र है। हमने हमेशा अपने बचपन से ही सुना कब्र का अजाब, टीवी पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, और आई थिंक अगर हमारी मस्जिदों में भी देख लें तो हमें कब्र के अजाब से हमेशा डराया जाता है। कभी हमने कब्र में एक सुकून, एक राहत, उसका कभी जिक्र नहीं किया। शायद ये जिक्र मेरे लिए भी पहले, अगर मैं 14 नवंबर 2019 से पहले अगर देखती, सोचती, तो मेरे लिए भी बहुत अजीब, बहुत एक ऐसी बात होती है, अनहोनी सी बात होती। बट आई थिंक सो जब मेरे बाबा वहाँ गए तो मुझे उस जगह से ऑटोमेटिकली प्यार हो गया। मुझे लगा कि वो जगह ऐसी है जहाँ वाकई हम सबको राहत मिलनी है, जहाँ हमें हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें उसका जो कहते हैं ना, रिवॉर्ड मिलता है। आज मैं बात करूँगी कि हम कब्र की नेमतें क्या हैं। हम क्यों कब्र की नेमतों के बारे में बात नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मुझे अपने बाबा की बात याद आई है। बाबा का जब लास्ट डे था, तो लिटरली जिस टाइम फ्राइडे को, मैंने अपनी एक पहली भी वीडियो में बात की, जिस टाइम फ्राइडे का इस्तेमाल करते थे, तो शायद अल्लाह ताला के पास जाने के लिए भी उन्होंने वही इस्तेमाल किया, और अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाने के लिए भी उससे बहुत प्यारा इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी थर्सडे नाइट मीन्स फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे का दिन शुरू हो चुका था इस्लामिक परस्पेक्टिव से। और बाबा जुम्मे की नमाज को बहुत एहतमाम से, बहुत रिवॉर्ड कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको दिया। हम कब्र की नेमतों का जिक्र क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे? हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि जब हम उन दुनिया से कूच करेंगे तो हम अपने रहमान रहीम, जो हमारा दो जहानों का मालिक है, हम रहमतुलिल आलमीन से मिलेंगे। रहमतुलिल मुस्लिमीन कहीं नहीं आता कि दोनों हाथों में होंगे। वो रहमान जो माँ से भी ज़्यादा मेहरबान। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को देखा जो अपना पाँव अपने बच्चे पर रखने से बचा रही थी, तो आप सहाबा किराम से फरमाया कि हमारा रब हम पर इस माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। आप देखें एक माँ कितनी मेहरबान होती है अपने बच्चे के लिए। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देख नहीं सकती, तो जो रब हमें 70 माओं से, ये 70 वो 70 वाला 70 नहीं है, ये 70 अनकाउंटेड 70 है कि जिसमें हम चेक भी नहीं कर सकते कि वो रब हमें कितना चाहता है, वो रब हमसे कितना प्यार करता है। क्योंकि जाहिर बात है, जिसने हमें खुद बनाया, हमें पैदा किया, तो वो रब हमें कितना चाहता होगा, तो वो रब हमें कितना मेहरबान होगा हम पे, हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा। बट क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारा, हमें ये समझाया जाता है कि कब्र में ये होगा, कब्र में ये अजाब होगा, बट कब्र में क्या सुकून होगा वो हमें कभी नहीं बताया जाता। क्यों हमेशा अजाब कब्र की बातें हो रही हैं? क्यों मौत से हमें नफरत दिलाई जाती है और इसे डराया जाता है, यहाँ तक कि हमें पुख्ता यकीन हो गया कि हमारा रब हमें मरते ही ऐसा अजाब देगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता? हम क्यों इस बात पर मसर हैं कि हमारा रब हमें सिर्फ अजाब ही देगा? हम पर क्यों, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रब हम पर रहम करेगा? हम ये बात क्यों नहीं मानते कि जब कब्र में मोमिन से मुनकर नकीर के सवाल जवाब हो जाएं तो हमारा रब कहेगा मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, इसको जन्नत के कपड़े पहना दो, और जन्नत की तरफ से इसके लिए दरवाज़ा खोल दो, और इसको इज्जत के साथ रखो, फिर वो अपना मुकाम जन्नत में देखेगा। तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करेगा, परवरदिगार क़यामत बर्पा कर ताकि मैं इत्मीनान के साथ जन्नत चला जाऊँ। हम ये बात क्यों नहीं बताते कि हमारा अमल सालिया हमसे अलग ना होगा, और कब्र में हमारा जो, हमने जो अमल किए होंगे वो हमारे लिए, हमारे सुकून का बायस बनेंगे। अगर हमने किसी को तंग नहीं किया, अगर हमने किसी को कुछ कहा नहीं है, तो डेफिनेटली एक एक चीज़ आपका, कितना आपका एक एक नेकी आपका साथ देगी।
तो इसलिए हमें कब्र की अच्छाई पे भी बात करनी चाहिए। जब कोई नेक आदमी वफात पा जाता है तो उसके तमाम रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए होंगे उनकी तरफ दौड़ेंगे और सलाम करेंगे, और उनसे मुलाकात के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुलाकात उससे कहीं ज़्यादा खुशी की होगी जो तुम दुनिया में अपने किसी प्यारे से करते हो। तो आप देखेंगे जब आपका कोई प्यारा जाता है तो जो उससे पहले उसके प्यारे चले गए होते हैं तो उसके मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। क्यों कहा जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी ज़िंदगी है? क्यों कहा जाता है कि दुनिया फ़ानी है? तो जो आखिरत की ज़िंदगी है हमें उससे उतना हमेशा डराया क्यों जाता है? क्या हमें अपने अमाल पे डर होता है या हमें इस बात से डर होता है कि हमने किसी का दिल दुखाया होगा तो उसने, क्योंकि कहा जाता है कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे बट हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, तो कहीं हमें हुकूकुल इबाद की वजह से तो फिक्र नहीं हो जाती?